ये है दोस्तों वीवो का Y71 स्मार्टफोन जो कि आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 425 के साथ मिलता है। इसमें आपको 1.4 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड मिलती है। इसका जो स्क्रीन साइज है वो 6 इंच है कंप्लीट, और इसमें आपको 3300 mAh की बैटरी दी गई जो कि काफ़ी अच्छी चलती है। तो दोस्तों इसमें आपको एक बेजललेस डिस्प्ले दी गई है जो कि काफ़ी कम बेजल्स हैं इसके ऊपर और नीचे की तरफ। डिस्प्ले जो है वो काफ़ी ब्राइट है और काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये केवल एक HD डिस्प्ले है। इस पे पीछे की तरफ आपको वीवो का लोगो और नीचे की तरफ आपको यहाँ पे डिजाइंड बाय वीवो लिखा गया है। इसमें आपको बैक साइड में 13 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा और साथ में एक LED फ्लैश दी गई है। तो इसमें आपको नीचे की तरफ एक सिंगल स्पीकर मिलता है, साथ में एक ऑक्स और एक माइक्रोफोन, और साथ में आपको चार्जिंग के लिए पोर्ट दिया गया है। इसके ऊपर की तरफ आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो इस तरह की आपको इसमें कुछ सेटिंग्स मिल जाती हैं जिसमें कि आपको फन टच का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है ओरियो के साथ और 8.1 के साथ। इसमें आपको फेस अनलॉक का भी फीचर दिया गया है, लेकिन ये ज़्यादा फास्ट नहीं है पर एक्यूरेट काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। आप चाहें तो इसमें पिन और पैटर्न भी सेट कर सकते हैं। काफ़ी स्मूथ UI दिया गया है। इसमें आपको 4 GB की रैम और साथ में 32 GB की स्टोरेज मिलती है। ये आपको दो वर्जन्स में मिलता है, एक 3 GB में और एक 4 GB में। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, काफ़ी बैकग्राउंड में ऐप रन करने के बाद भी काफ़ी स्मूथली काम करता है। तो आप चाहें तो इसको 13,000 रुपये में खरीद सकते हैं, एक बजट स्मार्टफोन है ये। तो इसमें आपको और भी काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि स्मार्ट मोशन, स्मार्ट स्प्लिट और वन हैंड मोड भी आपको इसमें मिलता है। इसका जो कैमरा है काफ़ी अच्छा है, जैसा कि आपको पता है वीवो और ओप्पो के कैमरे काफ़ी अच्छे हैं। इसमें आपको लाइव फ़ोटोज़ का भी ऑप्शन मिलता है जिससे कि आप लाइव फ़ोटोज़ कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन उनको देखने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा जब ही वो आपको दिखाई देंगी। इसमें आपको एडिट का भी ऑप्शन मिलता है, आप चाहें तो उसमें फ़िल्टर्स, क्रॉप या फिर और एडिटिंग्स कर सकते हैं। कैमरा काफ़ी अच्छा है, फ्रंट जो है इसका 5 MP का है और जो बैक कैमरा है वो 13 MP का है। यहाँ पे आपको इसमें सेटिंग्स वगैरह मिल जाती हैं और साथ में आपको इसमें फ़िल्टर्स भी दिए गए हैं और काफ़ी अच्छे मोड्स भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इसके जो डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पे आपको इसके कैमरा के सैंपल्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप अब देख सकते हैं ये इसकी कुछ स्पेक्स हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों शुक्रिया देखने के लिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।